महानगर के सभी दर्शकों को आज कृष्ण जन्माष्टमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज हम हैं जयपुर के गोविंद देव जी मंदिर में, जहां पर आप देखेंगे कि आज जयपुर वृंदावन बना हुआ है। आपको बता दें कि गोविंद देव जी मंदिर की जो ये मूर्ति और जो विग्रह रूप है, वो 5000 साल पहले श्री कृष्ण के प्रपौत्र वज्रनाभ ने बनवाया था, जिसके बाद सवाई जयसिंह ने जयपुर में इनकी स्थापना की और तब से 5251वां जन्मदिन आज यहां पर गोविंद देव जी में कृष्ण जन्माष्टमी के रूप में मनाया जा रहा है। आप देखेंगे कि कृष्ण को, गोविंद देव जी को कई नामों से जाना जाता है, वासुदेव, देवकी नंदन, मुरली मनोहर, देवकी नंदन, रास रचैया, मुरली बजैया, कई नामों से। और इसे जो दृश्य आप देख रहे हैं मेरे पीछे का जो दृश्य देख रहे हैं गोविंद देव जी का, ये जो झांकी है, जो मनमोहक दृश्य है, वो देखते ही बनता है। यहाँ पर आप देखेंगे कि लाखों की तादाद में जो श्रद्धालु हैं, भक्त हैं, वो यहाँ पर पहुँच रहे हैं, यहाँ पर दर्शन कर रहे हैं। और वृंदावन आज जयपुर बना हुआ है। तस्वीरों में आप देख पाएंगे कि यहाँ पर लाखों की तादाद में जो भी श्रद्धालु भक्त आ रहे हैं, खुशी से दर्शन कर रहे हैं और धीरे धीरे चल रहे हैं। सभी तमाम जो व्यवस्थाएं हैं वो यहाँ पर माकूल है। पुलिस की व्यवस्था भी सुदृढ़ है, क्योंकि इसको देखते हुए कि लाखों की तादाद में आज यहाँ पर दर्शक, यहाँ पर श्रद्धालु भक्त जो हैं वो यहाँ पर पहुँच रहे हैं और ये मनमोहक दृश्य जो है वो देखने को मिल रहा है। इनके बारे में, यदि गोविंद देव जी के बारे में थोड़ा विस्तार से बात करें, तो 5000 साल पहले कृष्ण के प्रपौत्र वज्रनाभ ने विग्रह रूप जो बनवाया था, वो वृंदावन से यहाँ लाकर स्थापित किया गया था। मुगलों के शासन में सभी देवालयों की तोड़फोड़ की जा रही थी, तब ऐसा समय आया कि इस विग्रह रूप को यहाँ पर लाया गया। ये भी सौभाग्य है राजस्थान का कि जो विग्रह, तीन विग्रह रूप हैं, वो यहाँ पर राजस्थान में ही स्थापित हैं। तो ये बड़ी बात है, राजस्थान का सौभाग्य है। और गोविंद देव जी के दर्शन आप कर रहे हैं, जहाँ पर देखेंगे कि लाखों की तादाद में जो श्रद्धालु हैं वो यहाँ पर पहुँचे हैं। इन श्रद्धालुओं के बीच में मैं आपको और भी यहाँ की जो है विशेषताएं बताना चाहूँगा कि ये जो गोविंद देव जी का मंदिर है, जयपुर राज परिवार के इष्ट देव हैं और शहर के संस्थापक जयसिंह और उसके बाद के सभी शासकों ने गोविंद देव जी की भक्ति की है। इस मंदिर का निर्माण 1735 में हुआ था। मुगलों ने मंदिरों की देश भर में तोड़फोड़ की। मंदिरों के अलावा धर्म शिक्षा के सभी विद्यालयों और आश्रमों को मुगलों ने अपना निशाना बनाया। जब चैतन्य के चेलों ने मुगलों की तोड़फोड़ को देखते हुए कई मंदिरों से देवी देवताओं की मूर्तियों को वृंदावन के आसपास छुपा दी। कहावत है कि गोविंद देव जी की ये भव्य प्रतिमा को वृंदावन के निकट गोबाटीला नामक स्थान के रूप में गोस्वामी नाम के कृष्ण भक्त ने खोज निकाला है। और रूप गोस्वामी का 1563 में निधन हो गया, तब मुगलों के सेनापति राजा मान सिंह ने 1590 में वृंदावन में एक विशाल और भव्य मंदिर बनवाया। और उसके बाद जब ये रुका नहीं मुगलों का आतंक, तो सवाई जयसिंह द्वितीय ने इनकी स्थापना यहाँ लाकर की और गोविंद देव जी को गोविंदपुरा के रूप में स्थापित किया गया। और इसको ठिकाना भी यहाँ का कहा जाता है, क्योंकि आपको बता दें कि एक और महत्वपूर्ण बात यहाँ की है कि इनके ऊपर शिखर नहीं है और इनको यहाँ का राजा माना जाता है। तमाम तरीके के जो आज लोग यहाँ पर पहुँचे हैं, श्रद्धालु यहाँ पर पहुँचे हैं, तो ये मनमोहक दृश्य जो है वो देखने लायक यहाँ पर है। पूरे दिन जो है 7 झांकियाँ यहाँ से निकलेगी, उनका दर्शन हम आपको करवाते रहेंगे। लोग जो हैं, श्रद्धालु भक्त यहाँ पर लगातार बड़ी तादाद में यहाँ पर पहुँच रहे हैं। तांता लगा हुआ है दर्शन करने वालों का और यही तस्वीरें हम पूरे दिन आपको दिखाते रहेंगे। आपको ये तस्वीरें गोविंद देव जी के मंदिर से सीधे हम लगातार शाम तक और रात को यहाँ पर जब उनका जन्म होगा श्री कृष्ण का, 21 तोपों की सलामी दी जाएगी, वो दृश्य भी हम आपको दिखाएंगे। बड़ा मनमोहक दृश्य यहाँ से मंदिर से हम दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। कैमरामैन देवेश के साथ सागर चौधरी, महानगर टाइम्स के लिए जयपुर, राजस्थान।